नमस्कार, मैं देव, आप देख रहे हैं इस समय लोकतंत्र टीवी और ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मौजूद हैं हम राजेंद्र पाल गौतम जी के पास, और जो समाज कल्याण मंत्री भी हैं। और इस वक्त ये सबसे बड़ी जो खबर आ रही है लगातार कि जो शिविरों में लगातार हत्या हो रही है दलितों की, उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? लगातार हो रही है ना, कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही है, जिसका एक बड़ा कारण है कि जंतर मंतर पर लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है। नहीं, आप देखेंगे कि लगातार पूरे देश में हमारे लोग सीवर के अंदर मरते आए हैं, और ठेकेदारों को पता होता है कि भाई सीवर में ये गैस बनती है, इसमें विदाउट सेफ्टी गियर इस तरह उतारना नहीं चाहिए, और उसके बाद भी वो लगातार उतारते रहे हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट लोगों को उठा ले आते हैं पैसे सस्ते दाम पर, और उन्हें उतार देते हैं। लोग मजबूरी में उतर भी जाते हैं जब रोज़गार नहीं होता। तो दिल्ली सरकार में जब मैं मंत्री बना 19 मई 2017 को, तब अचानक ही 10-15 दिन के अंदर अंदर करीब 4 घटना घटी, और उसमें मेरे ख्याल से 11 लोगों की डेथ हुई। तो तभी हमने संकल्प किया था कि हम इस सिलसिले को रोकेंगे, और उस दिशा में एक साल के लगभग काम करने के बाद हमें वो सफलता मिली कि हमने 200 लोगों को, अपने लोगों को जो इस काम से जुड़े रहे हैं या जो SST समाज से हैं, 200 लोगों को 7 साल का ठेका दिया है सीवर क्लीन करने का, और उनको बाकायदा मशीनें दिलवाई हैं, और उसमें 90% SBI से उनको लोन दिलवाया है। और कल ही डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम में हमने उसका इनॉग्रेशन किया है। तो ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी कुछ नहीं किया। पूरे देश में अपने आप में एक अलग तरह की ये कार्रवाई हुई है सरकार के माध्यम से, और सरकार की मदद से अपने समाज के 200 लोगों को उद्यमी बनाया, और उन पे 600 लोग उन मशीनों पे काम करेंगे, उनको रोज़गार मिलेगा, और किसी को अब सीवर में उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस दिशा में काफ़ी बड़ी सफलता दिल्ली की सरकार ने अर्जित की है, और मुझे लगता है पूरे देश की सरकारों को, जितनी भी राज्य सरकारें, उसको भी दिल्ली सरकार के मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहिए। और अभी एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि ये सीवर तो हम लोग क्लीन कर लेंगे, मेन हॉल में लोग नहीं उतरेंगे, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डिंग्स में जो सेप्टिक टैंक है, जहाँ ये गाड़ियाँ नहीं जा सकती, वहाँ इस तरह की घटनाओं को रोकना भी चैलेंज है, क्योंकि वो प्राइवेट बिल्डिंग है, लोग प्राइवेट लोगों को बुला लेते हैं, एकदम उतार देते हैं अंदर, और वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि वहाँ हमारे लोगों की जान चली जाती है। उसमें अब हम रोबोटिक उस पर काम शुरू कर रहे हैं कि रोबोट के को नीचे उतार के उसके माध्यम से सीवर क्लीन करवाएं, तो उस पर बाकायदा एक SOP भी बन गया दिल्ली सरकार के माध्यम से, और इंस्ट्रक्शंस जारी हो गई हैं, कोई भी सीवर में किसी को ऐसे सेप्टिक टैंक के अंदर भी नहीं उतारेगा, और किसी के सेप्टिक टैंक अगर भर गए तो अपने MCD और दिल्ली जल बोर्ड से संपर्क करें, ताकि वहाँ रजिस्टर्ड जो ठेकेदार हैं उनके माध्यम से उनके सेप्टिक टैंक क्लीन किए जा सके। लेकिन हमारा जो कदम है अगला, वो ये है 2019 के बाद कोई सेप्टिक टैंक में भी नीचे ना उतरे, तो उसके लिए हम रोबोट्स पे काम कर रहे हैं, और वो रोबोट्स पे हम काफ़ी आगे तक आ चुके हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर रोबोट्स डिप्लॉय किए जाएंगे, और सारे सेप्टिक टैंक के अंदर भी किसी भी कीमत पे किसी को उतरने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल है कि हिंदुस्तान में जो भी बहुजन हैं, दलित हैं, सब एक कहते हैं एक बात कि आपके बारे में, राजेंद्र पाल गौतम जी, जब भी कहीं हिंदुस्तान में कोई दलित प्रोग्राम होता है तो वहाँ अवश्य आते हैं और समय पाते हैं उनको इन्वाइट करने पर। तो एक बात बताइए, अब जो बहुजनों में एक चर्चा है कि 5 मार्च को भारत बंद का आगाज़ किया गया है, क्या आप उसमें शामिल हैं या नहीं? मैं निश्चित तौर पर शामिल होऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारे समाज के अधिकार एक के बाद एक छिन रहे हैं, और कोर्ट के माध्यम से भी जिस तरह के जजमेंट आ रहे हैं, वो रीजनेबल नज़र नहीं आते। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि हमारे लोगों को न्याय मिल रहा है। 13-पॉइंट रोस्टर पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में लागू कर देने से हमारे लोगों का अध्यापन के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटीज़ में रास्ता बंद हो गया है। हमारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में अध्यापन के क्षेत्र में नहीं आ पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी साजिश है, और इसको रोकने की दिशा में कोई कदम केंद्र सरकार के द्वारा भी नहीं उठाया गया है, और केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम इस पर अध्यादेश लाएंगे, लेकिन उस दिशा में भी कोई काम उनका नज़र नहीं आ रहा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि केंद्र सरकार पर, राज्य सरकारों पर दावा बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, और 5 मार्च
के इस बंद में मेरी भी सहमति है। सर, पांच आपने कहा कि केंद्र सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, यह दबाव सर कैसे मुमकिन होगा जब देश में तमाम पार्टियां अपनी अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। केजरीवाल जी अलग हैं, ममता बनर्जी अलग हैं, और फिर मायावती जी अलग हैं, अखिलेश, मतलब सब कवायदें जुड़ी हैं प्रधानमंत्री की रेस में। अभी आपने एक चुनावी प्रोटेस्ट किया था जंतर मंतर पर, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां भी आई थी, तो लोगों का साफ साफ कहना था कि केजरीवाल को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो कैसे होगा क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री की संख्या ज्यादा है लेकिन प्रधानमंत्री एक ही बनना है कोई। नहीं, केजरीवाल जी तो नहीं कह रहे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, कार्यकर्ता में तो हवा है सर। नहीं, हमारे कार्यकर्ता भी नहीं कह रहे, हम अभी इस स्थिति में ही नहीं है। हमारी पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर पर इस स्थिति में नहीं है कि हम अपना आपको इस बार अरविंद जी को प्रधानमंत्री बनाने की रेस में शामिल करें। हमने तो कहीं नहीं कहा ऐसा। आम आदमी पार्टी के तमाम, हमारे पास वीडियो क्लिपिंग भी है सर, तमाम लोग जो उस दिन प्रोटेस्ट में आए थे। ऐसा है, कार्यकर्ता इमोशनल होते हैं और कार्यकर्ता ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम कोई सरकार बनाने की स्थिति में हो और अरविंद जी को हम प्रधानमंत्री बना पाए। अच्छा, तीसरी बात, एक चीज़ और सर, जो लोग जिस समय जब 2014 या 15 में जब चुनाव होने थे लोकसभा का और विधानसभा का दिल्ली में, तो जिनके खिलाफ केजरीवाल जी जा रहे थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जी, जो आवाज़ बुलंद की थी वो आज भी बुलंद है, लेकिन जिस लेकिन आज लगे थे, सुन लीजिए जी सर, सवाल आज इस बात का नहीं है कि जिस पर आरोप लगे थे हम उससे भी मिलने को तैयार हैं। सवाल है जब पूरे देश की संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त की जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, जब भारत के संविधान पर बार बार हमले हो रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है, रिजर्व बैंक के पर हमला हो रहा है, सीबीआई पर हमला हो रहा है, सांख्यिकी आयोग पर हमला हो रहा है, ऐसी स्थिति में जब देश बचाने की बात हो, लोकतंत्र को बचाने की बात हो, तो हम ये बाकी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, पहले ऐसे लोगों को हराने की ज़रूरत है जो भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे हालात में हम बाकी सब लोगों के साथ मिल के अगर कोई राष्ट्रीय महागठबंधन बनता है तो उसको हम भी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी जो गलत बात के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उसको छोड़ देंगे। 2019 में सर क्या कांग्रेस से गठबंधन हो रही है, इस तरह की जो भ्रांति फैलाई जा रही है, क्या कहां अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आता है कि ऐसी कोई गठबंधन हो रहा है। अब तो हम अपनी सातों सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, समय से बने रहने।